सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और आज कोई ऐसी स्पेशल फिलॉसफी वाली शेयरिंग नहीं होने वाली है। आज का व्लॉग है सिंपल सा और वॉइस ओवर के कंपैरेटिवली आज हम सीधी सीधी बात करेंगे। तो फिलहाल हम रेडी हो रहे हैं, कहाँ जाना है? बर्थडे पार्टी में। तो आज हमें जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना बहुत ज़रूरी था। कल इनके एग्जाम भी है, बर्थडे भी है, बट एक्चुअली मेरी नीस यानी ब्रदर इन लॉ की बेटी का बेटा और घर पे आके इनविटेशन दिया, 2-3 बार कॉल आ चुका है, तो लोकल पे ही जाना है, जाना अर्जेंट है। तो अभी हो गया है रिविजन इनका, कल दोनों के हैं एग्जाम और इनका है कल को हैप्पी वाला बर्थडे और इन दोनों के हैं एग्जाम और मेरा है हैप्पी वाले इंग्लिश का टेस्ट। तो अभी रिविजन करवा लिया है कम्प्लीट, अभी एक बार और सुनना बाकी है। नहीं, एक बार और जल्दी से क्वेश्चन सुन लेते हैं एक बार और उसके बाद हम जल्दी से होते हैं रेडी और मिलते हैं आपसे। और आपको भी चलो घुमा के लाते हैं बर्थडे पार्टी में, बैठे बैठे आप भी बोर हो गए होंगे। चलिए, वैसे कभी कभी मेरे वीडियो शायद बोरिंग हो जाते हैं क्या, तो सोचा कि आज सिंपल वीडियो रखा जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो जल्दी से हो जाते हैं रेडी, इनको कर देते हैं रेडी और मिलते हैं आपसे फिर तैयार हो गए। सो तो जनरली ना मैं फंक्शन वगैरह में बहुत ही रेयर जा पाती हूँ, क्योंकि खुद के पास भी टाइम लिमिटेड रहता है, ऊपर से बच्चे साथ में ना छोड़ सकते और ना ऐसे ऑटो पे इनको लेकर के घूमते फिरते रह सकते हैं। जोशी जी का भी ऑफिस है प्राइवेट सेक्टर के साथ, थोड़ा सा इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता है एज़ यू नो। तो अभी यहाँ पर रेडी हो गए हैं, जोशी जी ऑफिस ही थे बट उन्होंने अपनी गाड़ी अपने जूनियर को दे करके भेजा कि हमें ड्रॉप कर दें, फिर वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल जल्दी से बच्चों को रिविज़न वगैरह सारी तैयारी करा दी और हम हो गए तो फाइनली हो गए रेडी। हमने पहन ली साड़ी एंड इट्स वाज माय बर्थडे गिफ्ट। तो जल्दी से हेयर कम कर लेते हैं एंड सिंपल। हाउ इज इट? और यहाँ पर मेरी सासू माँ भी आ गई और उनको साड़ी मैंने ड्रेप किया। वो ना बहुत सिंपल सी हैं, पहाड़ की रही हुई हैं, तो उनको ना पिनअप भी नहीं होता और अब तो वैसे भी एज के साथ जॉइंट पेन वगैरह करने लगते हैं, तो वैसे भी नहीं कर पाती, वैसे भी नहीं आता। तो कहीं भी जाना होता है तो मैं ही उनको साड़ी ड्रेप करती हूँ, पिनअप पल्लू वगैरह लगा दो, नीचे तो पहन लो प्रॉपरली ड्रेप कर लो, बट पल्लू नहीं बना पाती बिल्कुल भी। तो ये पल्लू वगैरह पिनअप इनका कर दिया और इनके साथ बढ़िया सा एक फ़ोटो ले लिया। तो रिश्तों में ना कई बार हम अगर छोटे हैं उम्र में तो थोड़ा सा झुक करके, थोड़ा सा चीज़ों में तालमेल बिठा करके जब हम चलते हैं तो रिश्ते आराम से स्मूथली रन कर जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जी हाँ, सो फाइनली इन माई ट्रेडिशनल गेटअप नाउ आई एम रेडी। तो ये कलर थोड़ा सा ना पेट्रोल ब्लू टाइप का है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और खाली लग रही है, अजीब सा कलर इस पर आ रहा है। एनीवे चलते हैं, रामगढ़ में जा रहे हैं, रामगढ़ में बर्थडे में। तो अभी पहला बर्थडे लोग नामकरण की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं, तो वही सेलिब्रेशन आज होना है। घर का प्रोग्राम है इसलिए अभी निकले हैं, अभी बच चुका है 5:30, निकलना है हल्द्वानी। तो रेडी होके निकल गए, चलते हैं। तो अभी पहुँचे हैं डेस्टिनेशन पे और ये है हमारा बर्थडे बॉय। फ्रंट कैमरा आज कुछ ब्लर चल रहा है, तो चलते हैं भाई पार्टी में। ये है इनकी नानी, ये है पर नानी। चलते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। ये आ गई है मम्मी, ये है हमारे बर्थडे बॉय की मम्मा। तो म्यूज़िक सिस्टम इतना लाउड था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आवाज़ गिरा दी और मैं सिंपली यही बता रही थी, मतलब फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। और जब भी इस तरह का फंक्शन होता है ना, तो मतलब जो भी इस तरह के गेट टुगेदर्स रहते हैं वहाँ पर हम लोग फैमिली से मिल जाते हैं, जितनी देर 1-2 घंटे का प्रोग्राम, 2-3 घंटे आप रहते हैं तो एक दूसरे से बात हो जाती है, मुलाकात हो जाती है और शेयरिंग हो जाती है। तो अदरवाइज़ तो हर किसी के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर कोई अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहता है। तो ये पहुँचते हैं हम आगे बर्थडे बॉय के पास में और सबसे पहले इसको चल के कहते हैं हैप्पी बर्थडे। You got it.
थोड़ा सा पेट पूजा स्नैक्स के साथ करने के बाद यहाँ पर चल रहा था फैमिली फोटोग्राफ एज यूजुअल वीडियोग्राफी, और वीडियोग्राफर भैया बोले कि भाई थोड़ा थोड़े से आप अपने झटके दिखाइए, तो हम थोड़े से डांस किए और इसके बाद हमें जल्दी जल्दी निकलना था घर, क्योंकि पहुँचते हुए भी हमें एक घंटा पूरा लगता। और ये भाई बर्थडे बॉय की एंट्री, और यहाँ पर ये थे मेरे बॉय जो दोनों मस्ती में लगे हुए थे अपनी। तो बच्चों को भी ना कभी कभी टाइम मिल पाता है थोड़ा सा खुला, तो वो भी थोड़ा मस्त हो जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, हम भी कहीं बाहर ज़्यादा जा नहीं पाते हैं। एंड देन आफ्टर वी जस्ट फायर द स्टेज। तो फाइनली 8:30 बज चुका था और केक कटिंग का प्रोग्राम हुआ। केक कटिंग के साथ में भाई फैमिली फोटोज़ वन बाय वन चलता रहता है, तो आधा घंटा लग जाता है, और हमें जाने की बहुत जल्दी थी क्योंकि पहुंचते पहुंचते हल्द्वानी टू पन्नगर हमें भी एक घंटा लगता। तो हमने मौके का फ़ायदा उठाया और हम यहाँ से बच्चों को लेकर निकल लिए बाहर, क्योंकि बच्चों को खिलाने में फिर टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर इनको लेके बैठे, तो हमने ये अपना पार्टी टाइम डिनर निपटा लिया और इसके बाद बस जल्दी से हमें निकलना था। तो वापस से हम मिल लिए भाई जिनके वहाँ पर एज अ गेस्ट हम थे, इनसे मुलाकात कर ली, टाटा बाय कर लिया और उसके बाद हम चल दिए वापस अपने घर के लिए। तो ये था आज का डिफरेंट छोटू सा व्लॉग, जो डेली रूटीन से हट करके एक छोटू सा सेलिब्रेशन शेयरिंग था, और उम्मीद करती हूँ आपने भी इसको थोड़ा सा इन्जॉय ज़रूर किया होगा, बोर नहीं हुए होंगे। और आज के इस वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। अगला वीडियो आने वाला बहुत खास है, सो स्टे कनेक्टेड, मिलती हूँ दोबारा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।